जय माँ भारती, भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज आपके बीच उपस्थित हुआ कुछ विषयों को लेकर, आशा करता हूँ आज जो विषय आप लोगों के बीच बोलने जा रहा हूँ वो उचित और उत्तम रहेगा। इस कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। मित्रों, कल सबसे पहले जो गलवान घाटी में हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चाइना की ये हिमाकत वो दिनों दिन हमारे देश की सीमाओं में घुस भी रहा है और हमारे सैनिकों पे अत्याचार भी कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई हम भी कर रहे हैं। लेकिन इससे नहीं होगा मित्रों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि सिर्फ बुलेट की पावर से नहीं, वॉलेट की पावर से भी दिखाना पड़ेगा और इस चाइना को अपनी औकात, इसकी इकोनॉमी को डैमेज करके हम सभी इंडियन को दिखाना होगा। आशा करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे मित्रों, क्योंकि हमारी देश की सेना वो हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए जान दे रही है। तो हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम देशवासियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हम चीन की इकोनॉमी को डैमेज कर देंगे तो चीन डैमेज हो जाएगा। उसके पास, उसकी सेना के पास जो बुलेट के लिए पैसा जा रहा है वो हमारा आपका पैसा जा रहा है। अगर हम आप उसकी इकोनॉमी को रोकना है तो तुरंत से तुरंत इंडिया में उन चीज़ों को बैन कर दीजिए जो कि आपके अनयूजेबल प्रोडक्ट है। चाइना के कानों में ये चीज़ जानी चाहिए कि पूरे भारतीय एक साथ उसके विरुद्ध खड़े हो गए। जात धर्म साम्राज्यवाद संपत्तिवाद सब कुछ भूल के, राज्य दिस दैट कुछ भी, कोई भी असमानता नहीं। ओनली वन आई एम इंडियन, नो वी आर इंडियन, बस इस चीज को फॉलो करना है और चाइना के खिलाफ आवाज उठाई। यही मैं आपसे, जो मैं आप लोगों के समक्ष बोलने जा रहा हूँ वो हाल ही में हुई घटना, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड के संबंध में कुछ बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक लाइन बोलूंगा कि नकारात्मक विचार हमारे मन को एक वायरस की तरह खोखला कर देता है। जैसे वायरस हमारे बॉडी को खोखला कर देता है, आज कोरोना की वजह से लाखों लोग बीमार पड़े हैं, नकारात्मक विचार भी उससे कम नहीं है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जैसे वायरस के कारण हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, नकारात्मक जो विचार आते हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। एक 34 वर्षीय युवा जिन्होंने अभी तक पूरा अपना कैरियर स्टार्ट भी नहीं किया था, काफ़ी स्ट्रगल किए थे, 7 से 8 वर्षों में उन्होंने कम से कम 8 मूवी दे दी थी और सबके सब टॉप मूवी, और एक बहुत ही अच्छे युवा एक्टर, ऐसे एक्टर की जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी, एक इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के आए। वो बचपन से ही पढ़ने बहुत टैलेंटेड थे, बहुत, उनका जो फेवरेट विषय था वो फिजिक्स था और दिल्ली कॉलेज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने ऑल इंडिया में 7वां रैंक भी लाया था और उनको नेशनल ओलंपिक एंड विनर का अवार्ड भी मिल चुका था। समझ सकते हैं आप लोग क्या उनके साथ, और उसके साथ साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया से उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप भी मिला था। आगे आप लोगों के बीच संस्कृत का एक श्लोक बोलना चाहूँगा, यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम ऋति समृद्धि समृद्धवा सौवय पंडित उच्यते। अर्थात जिसके कार्य को शीत उष्ण ताप भय प्रेम समृद्धि या उसका अभाव विचलित न कर पाए वही व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ है। बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इंटरनेशनल रूरल रजिस्टर्ड की तरफ से, लैंड की तरफ से चांद पर जमीन खरीदी थी और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को इस लाइक बनाया है। मित्रों, कहीं ना कहीं उनके आत्महत्या के पीछे कुछ तो बात होगी, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा ही लोगों को, लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि एक आम परिवार से आया हुआ बंदा आज इतना स्ट्रगल किया, अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, वो फील्ड को लेकर वो इतना मतलब इनसेंसिटिव हुआ और आज उन्होंने ऐसी प्रक्रिया की अपने साथ, तो कहीं ना कहीं विषय गंभीरनीय है कि सोचना है कि क्या वो सब क्षेत्र अब स्ट्रगल करने के लायक नहीं है। क्या एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास के बच्चों के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब कहीं जगह नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को सोचना होगा। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत ने कई अच्छी फिल्म किए, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और हाल ही में उनकी छिछोरे मूवी जिससे काफ़ी सीख मिलती है, उन मूवियों को एक भी अवार्ड नहीं मिला, जबकि बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जिनको अवार्ड मिलने के ज़रूरत नहीं, जिनको अवार्ड मिलने के कोई लायक नहीं है, उन मूवियों को अवार्ड मिला है। तो कहीं ना कहीं उन बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होगा। अब जो भी हुआ उनके मन की बात है, वो जो भी है, ऐसा बोलना उचित कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ तो है कि एक आम इंसान के लिए बॉलीवुड सेक्टर में स्ट्रगल करना काफ़ी दिक्कत है। कोई आम समाज से, किसी भी राज्य से अगर फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो अपने कुछ सपने लेके आता है, लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री कुछ परिवारवाद पर टिक गई है?
या क्या ऐसी चीज सच है या झूठ, वो तो अब धीरे धीरे पता चलेगा ही। आगे एक लाइन बोलना चाहूंगा कि रंगीन दुनिया की एक बात बहुत निराली है, रंगीन दुनिया की एक बात बहुत निराली है, दूर से तो लगती जगमगाती दिवाली है, दूर से तो लगती जगमगाती दिवाली है, पास जाओ अगर इसके तुम, इस उजालों ने कितनों की जान ले डाली है। कहना चाहूंगा सभी महानुभावों से, बॉलीवुड के सभी जो मुख्य लोग हैं, कि आप लोग टैलेंट के बल पे लोगों को अपने ग्रुप में, अपने इंडस्ट्री में शामिल कीजिए, ना कि उनके खानदान या किसी परिवारवाद को देख के, क्योंकि अगर योग्यता रहेगी तो ही देश चलेगा आगे। हर क्षेत्र में योग्यता का रहना आवश्यक है, और ताकि योग्यता के अनुसार अगर लोगों का रूप बढ़ेगा तो ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा ताकि हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़े। आगे एक लाइन बोलना चाहूँगा सुशांत जी के नाम, सामने वो खुश रहता लेकिन मन उसका अशांत था, सामने वो खुश रहता लेकिन मन उसका अशांत था, भीड़ में तो रहता लेकिन खुद भी वो एकांत था, भीड़ में वो रहता लेकिन खुद भी वो एकांत था, बात तो करता था लेकिन फिर भी परेशान था, बात तो वो करता था लेकिन फिर भी परेशान था, अकेला परा बेचारा जिंदगी के पेच में, अकेला परा बेचारा जिंदगी के पेच में, वो कोई और नहीं सितारा सुशांत था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।